बवासीर, पाइल्स या अर्श जिसे कहते हैं, उनके क्या कारण हैं और उनका क्या इलाज है? डॉक्टर प्रवीण जयप्रकाश गुप्ता, लक्ष्मी नगर, नागपुर। 50 वर्ष की आयु से अधिक का हर दूसरा मरीज पाइल्स या बवासीर की तकलीफ से ग्रस्त है। यह बच्चों, वयस्कों, स्त्री पुरुषों, किसी को नहीं बख्शता। पाइल्स को होने वाली रक्त की आपूर्ति का स्रोत गुदा के 3 सेंटीमीटर भीतर की ओर से होता है। पाइल्स के मस्से अपने शुरुआती अवस्था में कोई दर्द उत्पन्न नहीं करते, केवल उनमें खून निकलता है। गुदा की हर तकलीफ को लोग बवासीर मान लेते हैं। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में बवासीर में कोई दर्द नहीं होता, मगर अपनी उन्नत अवस्था में वे दर्द उत्पन्न कर सकते हैं। मरीज दर्द, रक्तस्राव, खुजली और मस्सों से पीड़ित रहता है। यह बच्चों, वयस्कों, स्त्री पुरुष सभी में पाया जाता है। गुदा के भीतर रहने वाले मस्सों को आंतरिक या इंटरनल पाइल्स कहा जाता है, जबकि बाहरी हिस्सों में पाए जाने वाले मस्सों को एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। महिलाओं में बवासीर होने की वजह यह है कि जो महिलाएं रोजगार की वजह से घंटों खड़ी रहती हैं, उन्हें यह तकलीफ हो सकती है, या जो एक स्थान पर काफ़ी देर तक बैठी रहती हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में भोजन के समय भोजन की गुणवत्ता संतुलित नहीं रह पाती। उसी तरह फास्ट फूड, मिर्च मसालों का अधिक सेवन भी इसके लिए कारणीभूत है। उसी के अलावा सिडेंटरी लाइफ यानी कसरत ना करना, शराब, तंबाकू, अति मिर्च मसालों का सेवन। गर्भावस्था और प्रसूति में भी बवासीर हो जाते हैं। इसमें गर्भ के बढ़े हुए आकार और वजन से मल मार्ग की शिराओं पर बेजा दबाव पर उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उसी तरह गर्भावस्था में खून में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन बहता है, जो खून की नसों को ढीला कर देता है, जिसके कारण वे फूल जाते हैं। महिलाएं इसे गर्भावस्था की सामान्य स्थिति समझती हैं, मगर बवासीर में रक्तस्राव क्यों होता है? दीवार गुदा के भीतर की जो होती है, उसकी खून की नसों के फटने से ब्लीडिंग होती है। प्रमुख लक्षण है गुदा मार्ग से स्त्राव, जो सीमित मात्रा में होता है, कभी कभी धारा या पिचकारी के रूप से भी निकल सकता है। यह खून ताज़ा और चमकीले लाल रंग का होता है, मगर कभी कभी यह हल्का बैंगनी या गहरे लाल रंग का भी हो सकता है। कभी तो खून के थक्के भी मिल सकते हैं मल के साथ जमा हुए। रोग की प्रारंभ अवस्था में बवासीर के मस्से गुदा के बाहर नहीं आते, मगर जैसे जैसे बीमारी पुरानी होती जाती है, वे बाहर आने शुरू हो जाते हैं और कभी कभी तो उन्हें भीतर ढकेलना होता है। तीसरी अवस्था के मस्से बाहर आते हैं और उन्हें हाथों से ढकेलने के बिना वे भीतर जाते नहीं हैं, इसलिए हर मल त्याग के बाद में उन्हें भीतर ढकेलना पड़ता है। जबकि उन्नत अवस्था के मस्से हमेशा बाहर रहते हैं, जिन्हें 4th डिग्री पाइल्स कहा जाता है। कभी कभी चिपचिपा पदार्थ का स्त्राव होने से उस जगह पर खुजली भी हो जाती है। उसी अलावा वहाँ पे भारीपन का एहसास, हल्का दर्द, जलन, खुजली और वहाँ से दुर्गंध भी आ सकती है। बवासीर का डायग्नोसिस या निदान कैसा होता है? तो किसी भी कुशल चिकित्सक द्वारा यह की जा सकती है। इसके लिए गुदा की बाहरी और भीतरी जाँच करना ज़रूरी है, और जाँच के वक्त अलग अलग मुद्रा जो मरीज को सहूलियत दे, उसी के द्वारा जांच की जाती है। पहले उस जगह को देखा जाता है, फिर उसमें उंगली प्रवेश कर भीतरी भाग का जांच की जाती है, फिर गुदा मार्ग की दूरबीन के द्वारा भीतरी भाग का संपूर्ण अवलोकन किया जाता है। इसे एनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी कहा जाता है। आमतौर पर बवासीर में 3 मस्से होते हैं, मगर कभी कभी 4 से 6 मस्से भी पाए जाते हैं। इनमें प्रमुखता से 3, 7 और 11 दिशा में मस्से होते हैं। बवासीर पुरानी हो जाए तो खून की कमी हो सकती है, जिससे मरीज को कमजोरी, चक्कर आना, अंधेरा आना, सांस फूलना जैसे हो तकलीफें हो सकती है। पुराने मस्सों में घाव या इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे उनमें दर्द उत्पन्न होने लग जाता है। लगातार दर्द बना रहता है, बैठने में परेशानी होती है। कई बार मस्सों में गैंग्रीन हो जाता है, जिसके वजह से वे पूरी तरह से काले पड़ जाते हैं, और ऐसे में पूरे शरीर में इनका जहर फैलने का या इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। उसी तरह मस्सों में मवाद या सूजन भी हो सकती है, खासकर उन मस्सों में जो डायबिटिक पेशेंट या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के साथ होते हैं। कई बार मस्सों को बार बार ढकेलने से वहाँ की चमड़ी लंबी हो जाती है और उसमें मस्सों के ऊपर चमड़ी के और मस्से लटकने जाते हैं। उसी तरह
मसों को भीतर ढकेलने से दो मसों के बीच में एक बैंड या मांस जुड़ जाता है जो साफ सफाई करने में दिक्कत देता है। कई बार मसों में अचानक खून जमा हो जाता है जिसके वजह से मरीज को एकाएक की तीव्र पीड़ा होती है जिसे एक्यूट अटैक ऑफ पाइल्स कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 5 वर्ष के बच्चे में भी तीसरी ग्रेड का या थर्ड स्टेज का पाइल्स पाया गया है जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। गुदा के बाहर के या जो एक्सटर्नल मस्से हैं वे न केवल दर्द उत्पन्न करते हैं बल्कि बैठने चलने और आम गतिविधियों में भी परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभी गुदा के मुंह पर अचानक एक गांठ उभर आती है या जोर लगाने के वजह से त्वचा के नीचे की मौजूद ब्लड वेसल्स फट जाती है और उनका खून जमा हो जाता है। अब बवासीर के प्रारंभिक उपचार, कुछ घरेलू उपचार और दवाओं द्वारा, पहले कब्ज को दूर कर सामान्य और नियमित मल त्याग करना आवश्यक है। इसके लिए आपको विभिन्न उपाय बताए जाते हैं जैसे हरी सब्जियां, फल फ्रूट ज़्यादा खाना है, गरिष्ठ भोजन कम लेना है, तली हुई चीज़ें मिर्च मसाले ना खाएं, उसी तरह रात में सोते वक्त लेक्सेटिव पाउडर पीने से भी फ़ायदा होता है। उसी तरह गुदा के भीतर रात को सोने से पहले और सुबह मल त्याग के पूर्व क्रीम लगाने से भी मल मार्ग सुगम होता है। गुदा की सिकाई करना भी ज़रूरी है, यह गर्म पानी दर्द से राहत दिलाता है, इससे रक्त संचारण में वृद्धि होती है जो सूजन कम करती है, इससे उस स्थान की सफाई भी हो जाती है। अब गुदा की सिकाई कैसे की जाए, नहाने से पहले एक टब में इतना पानी लें कि जब आप उसमें बैठे तो मलद्वार उसमें डूब जाए, गुदा को अंदर बाहर खींचे इससे। उसी तरह गुदा में दवायुक्त बत्ती या सपोजिट्री जो आमतौर पर ग्लिसरीन या लेक्सेटिव दवा से निर्मित होती है, यह नल को नरम बनाती है और उनका निकास सुगम करती है। बाजार में कई तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। आयुर्वेद में बवासीर के लिए अनेक रामबाण औषधियां हैं जिनके सेवन से बवासीर की प्रारंभिक अवस्था कम की जा सकती है। उसी तरह आधुनिक इलाज में बैंड लाइगेशन एक प्रमुख है जो शुरुआती पाइल्स के लिए उपयोगी है। उसी तरह इंफ्रारेड कोएगुलेशन जिसमें तीव्र गामी लाल किरणों का प्रयोग होता है, इससे मस्सों में बहने वाला खून सूख कर मस्से वहीं चिपक जाते हैं। उसी तरह मस्सों को इलेक्ट्रिक करंट से सुखाना जिसे डायरेक्ट करंट प्रोब कहा जाता है। उसी तरह रेडियो सर्जरी में सूक्ष्म रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे टिश्यू को काटा जा सकता है, सुखाया जा सकता है या वहीं नष्ट किया जाता है। तो रेडियो सर्जरी से गुदा के भीतर के मस्सों को भी सुखाना संभव है, यह बिना एनेस्थीसिया दिए भी हो सकता है। उन्नत अवस्था में गुदा के मस्सों को न केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी से सुखाया जाता है बल्कि उन्हें भीतर में फिक्स भी कर दिया जाता है। उसी तरह एक और पद्धति है जिसे डायरेक्ट करंट प्रोब या हीमोराइडोलाइसिस या अल्ट्रॉइड कहा जाता है, यह भी भीतरी मस्सों के लिए फ़ायदेमंद है। यह उन मरीजों के लिए ज़रूरी है जिनको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, यह भी दर्द रहित विधि है। और इसमें उसी तरह पाइल्स में लेज़र चिकित्सा सर्वाधिक प्रचलित विधि है वर्तमान में। इन किरणों से मस्सों को उसी जगह पर सुखा दिया जाता है, मस्सों के भीतर लेज़र रेस का प्रवेश करवा के लेज़र रेस भीतर प्रकाशित की जाती है। उसी तरह एक और विधि है डॉपलर गाइडेड हीमोराइडल आर्टरी लाइगेशन, यह एक यंत्र है जो मस्सों को खून पहुंचाने वाली वेसल्स को ढूंढता है और उन्हें लाइगेट करता है या बंद कर देता है। मस्सों में स्टेपलर विधि भी काफ़ी प्रचलित है, यह दर्द कम पैदा करती है। उपरोक्त सभी विधियां 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती हैं, मरीज उसी दिन अस्पताल से घर लौट सकता है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसके पश्चात ना तो कोई ड्रेसिंग करनी पड़ती है, ना बार बार डॉक्टर के पास आने पड़ता है और यह किसी भी उम्र में किसी भी बीमारी के साथ में किया जा सकता है। इन चिकित्सा विधियों की उपलब्धता उन लाखों मरीजों के लिए हितकारी है जो बीमारी का तुरंत फुरंत और आसान उपचार चाहते हैं।
अधिकतर मरीज शर्म, झिझक और संकोच की वजह से इस बीमारी के बारे में किसी से कह नहीं पाते और पीड़ा सहन कर सकते हैं करते रहते हैं, जबकि बीमारी आसानी से दूर की जा सकती है। उपचार के रूप में नुस्खे एक खुराक में बीमारी का समूल रूप से नाश करने का दावा करने वाले वैद्य हकीम होम्योपैथी की लंबी और उबाऊ चिकित्सा विधि दवाइयां, मरहम, कब्ज निवारक, जीवन शैली में सुधार, कसरत इत्यादि उपायों से बवासीर के प्रारंभिक अवस्था को काबू में किया जा सकता है। यह एक बहुत आम बीमारी है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है यदि आप सही जीवन शैली को लागू करते हैं। जीवन शैली में परिवर्तन, आहार, पर्याप्त मात्रा में व्यायाम अगर किया जाए तो यह बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है। अतः बीमारी को छिपाएं नहीं, डॉक्टर को बताएं।